अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं मानती हूँ बेटा कि मैंने तुझसे बहुत नफरत की, मैं चाहती थी कि सब कुछ मेरे राजवीर को मिले, मेरी सुधा के बच्चे को। मैंने तेरी पत्नी को तुझसे दूर किया, ज्योति को। तेरी बच्ची को तुझसे दूर किया। तेरे बाप के लिए तेरे दिल में नफरत भर दी। तुझे मारने की भी कोशिश की मैंने। तेरी जिंदगी में आए हुए हर तूफान की वजह मैं हूं बेटा। माता रानी के साथ साथ तू भी मुझे माफ कर दे। तारा तारा तू भी आ, माता रानी से माफी मांग, कबूल कर ले जो कुछ तूने किया है। मुझे माफ कर दे देवी माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं देवयानी से बहुत नफरत करती थी, इतनी नफरत कि जब उसकी शादी राजवीर जी से तय हुई तो मैंने उसके सर पे डंडा मार के उसे बेहोश करके कमरे में बंद कर दिया और खुद मंडप में जाके बैठ गया और शादी कर ली। इसमें देवयानी की कोई गलती नहीं थी। देवी माँ मुझे प्लीज माफ कर दो, प्लीज। ये सब कुछ आपने किया है नानी? मेरी बेटी को मुझसे अलग कर दिया। मेरे बाप को मुझसे अलग कर दिया। ज्योति के लिए नफरत भर दी मेरे मन में, यहां तक कि मेरी जान लेने की कोशिश की आपने। आपको और राजवीर को प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दूंगा। मैं आपके नाम और राजवीर के नाम कुछ नहीं करूंगा। इस डर से आपने ये सब कुछ किया आपने नानी? मैंने क्या कभी छोड़ी थी? प्लीज नानी, प्लीज एक बार बोल दो, सिर्फ एक बार बोल दो, ये सब झूठ है। झूठ है ना नानी? सिर्फ एक बार। ये क्या किया नानी माँ आपने? क्यों किया आपने? और तारा तुम
तुम कितनी घटिया हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी नफरत जो देवयानी के लिए थी ना, उसने मुझे जिंदगी के आज इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। मुझे घिन आती है तुमसे, शर्म आती है कि तुम मेरी पत्नी हो। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें बस बस कर, आगे कुछ मत बोल। पहले मेरी बात अच्छी तरह से समझ ले और सुन ले। अभी बात पूरी नहीं हुई है, फिर कुछ बोलना। बात करने को बचे ही क्या है? बचा है रुद्र, बहुत कुछ बाकी बचा है। क्यों देवयानी, तू यही चाहती थी ना कि तेरे सारे गुनाह मैं अपने सर ले लूं? क्या? हाँ बेटा, ये सब कहने के लिए किसने मुझे मजबूर किया था? ताकि ये तेरी नजरों में महान बन सके। आप क्या बोल रही है? दिव्यानी ने खेल खेला? कैसा खेल? मां, क्या सचमुच दिव्यानी ने आपको मजबूर किया था? हां सुधा, जब से ये आई है तब से हमें डराकर धमकाकर चाले चलकर हमें मजबूर कर रही है। इसने हमें इतना परेशान किया कि हमें सारे गुनाह अपने सर लेने पड़े। आप क्या बोल रही है नानी? दिव्यानी ऐसा क्यों करेगी? मैं जानती थी इस लड़की ने तेरी आंखों पर अपनी मीठी मीठी बातों की पट्टी बांध रखी है। मुझे पता था कि तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन रुद्र, मैं तुझे यकीन दिला सकती हूँ, और वो भी पूरे सबूतों के साथ।